गुड मॉर्निंग दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज अभी मैं हूँ करण प्रयाग से थोड़ा सा पहले, करण प्रयाग और रुद्रप्रयाग के बीच में उत्तराखंड में, और अभी मैं यहाँ से मेरी यात्रा शुरू कर रहा हूँ। तो आज हमारा टारगेट रहेगा जोशी मठ तक का, और देखते हैं कहाँ तक पहुँच पाते हैं, चलते हैं नीचे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने हमारा सामान दे दिया है और चलते हैं आगे। आइए चलते हैं। और ये यहाँ से पूरा नज़ारा दिख रहा है, चलते हैं नीचे वहाँ पर रोड पे, और अपना जो भी साधन मिलता है उसे आगे बढ़ते हैं। आइए चले दोस्तों। अभी हमें ये गाड़ी मिली है, पुलिस वाले भैया ने इनको रुकाया है। थैंक यू भैया, आपने लिफ्ट दिया इसके लिए। तो अभी हम आगे जा रहे हैं क्योंकि साधन नहीं है अभी यहाँ पर चार धाम की यात्रा की वजह से, और सब बसें जो है उसी में लगी हुई हैं, तो बसें भी नहीं आती है, जीप वगैरह भी सब फुल चलती है। ये काफ़ी वेट करने के बाद में और ये भैया मिले हैं जो भी करण प्रयाग तक मुझे लेके जाएंगे, और आगे देखते हैं फिर जो भी होगा मैं आपको अपडेट देता हूँ। आप इंजॉय करिए। ये सामने का व्यू आप देखिए, बहुत ही शानदार, वादियों के अंदर से रोड जाती हुई। ये पुल बना हुआ है और ये पूरा यहाँ का व्यू है, और नीचे हम चलते हैं जहाँ पे संगम हो रहा है करण प्रयाग का। करण प्रयाग संगम के लिए अलग से वीडियो है, आप जाकर देख ले। अभी चमोली पहुँच गया हूँ और आगे का रास्ता यहाँ से अभी देखते हैं क्या हमें साधन मिलता है। ये आप देखें, यहाँ पर ये
चमोली का हिसाब किताब है यहाँ का, ये बस स्टैंड और सब है। तो ये सामने जो रास्ता जा रहा है मैं आपको दिखा दूँ, ये घुमा दी रहता, ये जो रास्ता जा रहा है पीछे ये जोशीमठ को जाता है, हमें इस रास्ते पे अभी जाना है। तो देखते हैं क्या साधन हमें मिलता है, वेट कर लेते हैं। तो जीप मिलेगी अभी क्योंकि साधन कम है यहाँ पर, लेकिन जीप तो मिल ही जाएगी, देखते हैं। वेट करते हैं, बारिश बारिश हो गई है यहाँ, अभी हो रही है, देखिए मॉर्निंग। आज हम लोग रात में यहाँ सोए थे और बहुत अच्छा लगा, बहुत ही शानदार नींद आई। 5 डिग्री तक का मेरे पास था जो रात में सोने के लिए स्लीपिंग बैग, तो उठ कर सो गए थे, बहुत ही अच्छा लगा। तो चलो आगे अभी अगली तैयारी करते हैं। दोस्तों अभी मैं पहुंच गया हूं जोशीमठ, आप देखिए मेरे पीछे ये पूरे पहाड़, शानदार नज़ारा यहां का, आप देखिए यहां का ये नज़ारा, इधर भी देखिए आप। जोशीमठ चमोली से 100 किलोमीटर और ऋषिकेश से 250 किलोमीटर दूर है, बहुत ही शानदार, बहुत ही अद्भुत, आप देख पा रहे होंगे। ये देखिए शानदार नज़ारे जोशीमठ के। तो दोस्तों ये वीडियो आपने देखा पूरा यहाँ तक, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।